Hello, welcome you all to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a very important, relevant and must known topic to all of you, that is educational research. शैक्षिक अनुसंधान, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, purposes and types of educational research. Okay? And as usual, the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for all of you. So let's start. क्योंकि हम लोग रिसर्च पर आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, इथिक्स इन रिसर्च पे बात हुई है, हाइपोथेसिस पे, लिटरेचर रिव्यू पे और रिसर्च प्रॉब्लम पे बात हो गई है आपसे. एजुकेशनल रिसर्च का मेन जो मतलब ये पहला वीडियो होना चाहिए था, तो इस पर बात अब हो रही है, इसलिए रिसर्च के बारे में आप जानते हैं. रिसर्च अनुसंधान है, सत्य की खोज है, सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, साइंटिफिक मेथड से की जाती है. जो पुराना मतलब किसी भी विषय का जो ज्ञान का भंडार है उसमें आप कुछ योगदान करते हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ. आप इसे देख लीजिएगा अपने आप, जानते हैं आपकी रिसर्च क्या है, ये तो पीपीटी के लिए. देन एजुकेशनल रिसर्च की अगर बात करें तो अनुसंधान जब शिक्षा के क्षेत्र में होगा, जब समस्याएं शैक्षिक होंगी उसके समाधान शिक्षा के क्षेत्र में ढूंढे जाएंगे, तो वही रिसर्च शैक्षिक अनुसंधान हो जाती है, एजुकेशनल रिसर्च हो जाती है. जैसे मान लीजिए कोई एक डेफिनेशन देख लीजिए, तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू मॉली ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ ए साइंटिफिक मेथड फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स. यानी कि शैक्षिक अनुसंधान एक सिस्टमैटिक, एक सिलसिलेवार, एक तरीके से किया हुआ अनुप्रयोग है साइंटिफिक मेथड का, जिसमें कि आप शैक्षिक समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं. तो एजुकेशनल रिसर्च क्या है? एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर से ढूंढना ही एजुकेशनल रिसर्च है. और चूंकि एजुकेशन का एक सोशल एक्टिविटी है, शिक्षा टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है, मनुष्य का लेना देना है उससे, जो इसमें रिसोर्स है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स लगा हुआ है, इसीलिए एजुकेशनल रिसर्च में हम ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, तो ये क्लियर हो गया कि जो रिसर्च है उसमें ज्ञान की खोज है, सत्य की खोज है ना. तो सत्य या ज्ञान को जानने के तरीके क्या हैं? What are the methods to know about the truth या knowledge? तो आपको शुरुआती दिनों से, मतलब पुराने समय से, ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं इसके, वो ये है कि आपने एक्सपीरियंस से जाना हो, आपको ट्रेडिशन में मिल गया हो, वो परंपरा में चला आ रहा है इसलिए हम उसको ऐसा करते हैं, इसलिए हमें पता चला है. और अथॉरिटी, या तो हमने कहीं उसे पढ़ा हुआ, मतलब लिखा हुआ पढ़ा है, या किसी ने हमें बताया है, या हमारे गुरु ने, हमारे माता पिता ने, किसी ने हमें बताया, अथॉरिटी. इसके अलावा जो मेथड है वो साइंटिफिक मेथड है. तो साइंटिफिक मेथड की बार बार बात भी हो रही है डेफिनेशंस में कि साइंटिफिक मेथड होना चाहिए साइंटिफिक. तो साइंटिफिक मेथड होता क्या है? वैज्ञानिक तरीका ना, ऐसे तो हम सभी जानते हैं, बट ये हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते कि ये जो डिडक्टिव इंडक्टिव की हम लोग बार बार बात करते हैं, अक्सर हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग सतही तौर पर देख के निकल जाते हैं कि डिडक्टिव इंडक्टिव क्या है. बल्कि डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों तरीके आपस में मिलकर ही साइंटिफिक मेथड बनाते हैं. तो पहले डिडक्टिव इंडक्टिव को बारी बारी से देखिए. तो डिडक्टिव मेथड कह रहा है कि ये जो मेथड है ये पहला सिस्टमैटिक अप्रोच टू रीजनिंग एट्रीब्यूटेड टू एरिस्टोटल एंड ग्रीक्स. यानी कि अरस्तु और सुकरात के जमाने में जब तर्क की बात हुई तो उन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग को का इस्तेमाल किया आप कह सकते हैं, या वो जो सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करते थे रीजनिंग के लिए वही डिडक्टिव अप्रोच थी. तो डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता था, हम ये सब जानते हैं कि डिडक्टिव अप्रोच में हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, जो इंडक्टिव अप्रोच है उसमें स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, और मेनली हम इतना ही जानते हैं. तो डिडक्टिव अप्रोच में क्या है कि एक मेजर प्रिमाइस होनी चाहिए. मेजर प्रिमाइस का मतलब एक ऐसी धारणा, एक अजम्पशन जो सेल्फ इविडेंट हो, मतलब अपनी व्याख्या खुद कर रहा हो, पहले ही कहीं से हमको लिखा हुआ मिला हो, अथॉरिटी ने हमको बताया हो और हम इसको सत्य मानते हैं. ठीक, फिर उसका एक माइनर प्रिमाइस होता है, मतलब उससे छोटी एक बात होती है जो उसका एक पर्टिकुलर केस होता है. मतलब जो मेजर प्रिमाइस होती है वो एक जनरल जनरल सत्य, माइनर प्रिमाइस उसकी एक पर्टिकुलर घटना, और उसके बाद जो तीसरे स्टेप पे हम निष्कर्ष पे निकल जाते हैं. जैसे कि बहुत फेमस, आपने कहीं भी कोई भी किताब पढ़ी होगी डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, तो वो यही एग्जाम्पल बताता है. क्या बताता है कि मेजर प्रिमाइस में ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, यानी कि मनुष्य जो भी होगा वो मरणशील होगा. तो माइनर प्रिमाइस इसका क्या है
किस हमें एक पर्टिकुलर केस लिखे गए कि अच्छा सॉक्रेटिस भी तो एक आदमी है, मनुष्य है, सुकरात भी तो एक मनुष्य है, तो चूंकि सभी मनुष्य मरणशील हैं और सुकरात भी मनुष्य है तो निष्कर्ष ये निकला कि सुकरात भी मरणशील है। तो ये हमने क्या किया, प्रॉब्लम ही तो सॉल्व की ना, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे कि सुकरात मरणशील है कि नहीं, है ना। तो हमने हमको मेजर प्रिमाइस मिल गई कि भाई ये लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात भी मनुष्य है तो सुकरात भी मरणशील हो गया। तो इस तरीके से मेजर प्रिमाइस, फिर माइनर प्रिमाइस, फिर कंक्लूजन से हम किसी समस्या का समाधान डिडक्टिव मेथड में करते हैं। ये एक तार्किक तरीका है। तो डिडक्टिव मेथड मूविंग फ्रॉम द जनरल अजम्पशन टू द स्पेसिफिक एप्लीकेशन मेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आधुनिक जो समस्या समाधान की हम बात करते हैं उसके भी विकास में डिडक्टिव मेथड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बट दिक्कत क्या हुई, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि भाई ठीक है मेजर प्रिमाइस फिर माइनर प्रिमाइस फिर कंक्लूजन, दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि अगर किसी घटना की हमको जांच करनी है लेकिन उसके संबंध में हमको मेजर प्रिमाइस नहीं मिल रहा है या मेजर प्रिमाइस कहीं लिखा नहीं है उसके बारे में, तो चूंकि मेजर प्रिमाइस ही नहीं है तो माइनर प्रिमाइस कैसे होगा, कंक्लूजन कैसे होगा। पहली बात ये, यानी कि किसी नई घटना का सत्यापन, कोई नया सत्य आप डिडक्टिव मेथड से निकाल नहीं सकते क्योंकि जो पहले से लिखा है सिर्फ आप उस पर आधारित एक घोषणा कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहली दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत ये कि ये कहां तक सत्य है कि मेजर प्रिमाइस हमेशा सत्य है, मतलब हो सकता है कि मेजर प्रिमाइस में कोई गलती हो, वो दिक्कत हो, वो त्रुटिपूर्ण हो, वो गलत हो, तो आप माइनर प्रिमाइस भी गलत हो जाएगी उस पर आधारित तो और निष्कर्ष भी गलत निकलेगा। तो ये दो दिक्कतें डिडक्टिव मेथड के साथ थी, लेकिन तब भी वर्षों वर्ष ये चला डिडक्टिव मेथड, मतलब बहुत बहुत दृढ़ता के साथ चला और इसकी इस पर कोई भी बहस स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर सेंचुरीज लेटर, बहुत सारे वर्षों बाद फ्रांसिस बेकन ने एडवोकेट किया, उन्होंने बताया कि हम जरूरी नहीं है कि हर घटना की जांच मेजर प्रिमाइस से ही करें, हम कुछ घटनाओं की जांच अनुभव से, सॉरी प्रेक्षण से भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फेनोमेना, उससे उसके बाद भी तो हम कंक्लूजन और जनरलाइजेशन पे निकल सकते हैं कि हमने बहुत सारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कर लिए, फिर आप स्पेसिफिक भी निकल रहे, अच्छा ये भी ऐसे कर रहा है, ये भी ऐसे कर रहा है, ये भी ऐसे कर रहा है, तो तुम भी ऐसे ही करोगे। तो दिस इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस टू जनरलाइजेशंस फ्रीड लॉजिक लॉजिक फ्रॉम सम ऑफ द हजार्ड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डिडक्टिव थिंकिंग। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो डिडक्टिव थिंकिंग की कुछ दिक्कतों से आप बरी हो सकते हैं। तो द मेथड्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग प्रपोज्ड बाय बेकन वाज नॉट हैम्पर्ड बाय फॉल्स प्रमाइसेस। इसमें फॉल्स प्रमाइसेस की बात नहीं होगी, इनएडिक्वेसी की बात नहीं होगी और आप एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी दिक्कत है, इसके साथ ये दिक्कत है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप कितने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन देखेंगे ना, मतलब जनरलाइजेशन पे निकालेंगे, कहीं तो आप उसको डिलिमिट करेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई एक एक तरफ आता हुआ दिख ही नहीं रहा है, मतलब कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कुछ भी आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप पत्ती का कलर जांचना चाहते हैं कि पत्ती किस कलर की होती है, तो आपने मान लीजिए 99 पत्तियां कह रहे हैं, हाँ पत्तियां ही तो होगा, लीव्स है ना, 99 पत्तियां देखी और वो सब आपको हरी मिली, तो आप बस निष्कर्ष पे निकलने ही वाले थे कि पत्तियां हमेशा हरी कलर की होती हैं, हरी रंग की होती हैं, लेकिन 100वीं पत्ती आपको क्रोटन की मिल गई या कोई लाल पत्ती मिल गई या पीली मिल गई या कलरफुल मिल गई, तो आप कैसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, यानी कि आप निष्कर्ष पे कितने ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो पहुंचेंगे। दूसरी बात कि कई बार 99 क्या 10 भी एक जैसी बात नहीं मिल रही है, तो हम सब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो भी थ्योरी के निर्माण में दिक्कत होती है। तो इंडक्टिव के साथ ये दिक्कत है, लेकिन इंडक्टिव में आप नया सत्य खोज सकते हैं, इंडक्टिव में आप मेजर प्रिमाइज के फॉल्स होने की संभावना से बरी रहते हैं। तो ये सारी बातें, तो डिडक्टिव में मेजर प्रिमाइज होगा तो आप निष्कर्ष पे आसानी से पहुंच जाएंगे और एकदम आप सत्य, अगर मेजर प्रिमाइज सत्य है तो कंक्लूजन आपका हमेशा सत्य है, लेकिन नई बात नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इंडक्टिव में मेजर प्रिमाइज की कोई दिक्कत ही नहीं है, हम नया सत्य ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन वहां जनरलाइजेशन की दिक्कत है, कई बार जनरलाइजेशन मिलता ही नहीं है। तो दोनों के साथ कुछ प्लस कुछ माइनस पॉइंट है। फिर क्या हुआ बाद में, और बाद में डिडक्टिव मेथड जो अरिस्टोटल या अरस्तु का था और जो बेकन का इंडक्टिव मेथड था, उसको दोनों को चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में अपने काम में उनका एकीकरण किया। उन्होंने कहा, मतलब जब चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे थे, जब वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात कर रहे थे कि जातियों का उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो थॉमस माल्थस के
पॉपुलेशन पे लिखे गए इससे बहुत प्रभावित है, ये सब हम लोग बायोलॉजी की किताब में पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये उनको मिला माल्थस की किताब पढ़ के कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है डिफरेंट स्पीशीज के ओरिजिन में। तो इसको इन्होंने हाइपोथेसिस बना लिया, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं इनके लिए मेजर प्रिमाइस ये हो गई। अब क्या उनको करना था, उसी को सत्यापित करना था। तो उन्होंने द इविडेंस गैदर्ड, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े एकत्रित किए, अपनी हाइपोथेसिस को कंफर्म किया और पाया कि यस, जो बायोलॉजिकल चेंज होता है नेचुरल सिलेक्शन में उसमें फेवरेबल वेरिएशन को रखा जाता है और अनफेवरेबल वन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसी से नई जातियों का निर्माण होता है। तो ये जो चार्ल्स डार्विन ने तरीका इस्तेमाल किया उसमें जो मेजर प्रिमाइस था उसकी जगह हाइपोथेसिस ने ले ली है, और हाइपोथेसिस को हम सब्सिक्वेंटली टेस्ट करेंगे, कलेक्शन करेंगे और फिर हम लॉजिकल एनालिसिस करेंगे डेटा की। तो इस तरह से डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइंटिफिक अप्रोच। तो इसमें डिडक्शन भी लग रहा है, हम हाइपोथेसिस बस मेजर प्रिमाइस का नाम हाइपोथेसिस कर दिया है, लेकिन वहां मेजर प्रिमाइस के बाद माइनर प्रिमाइस और माइनर प्रिमाइस के बाद हम उसको सत्य मान लेते थे, पर यहाँ हाइपोथेसिस के बाद हम उसको टेस्टिंग और वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, और तब तो हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड दोनों को जोड़ लिया है। तो जॉन डीवी ने एक पैटर्न सजेस्ट किया और उन्होंने कहा कि डिडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस की हेल्प से आप साइंटिफिक तरीके से घटनाओं की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड इज नन अदर देन द इंटीग्रेशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, ये सिर्फ आपको बताना चाह रही थी। देन साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स होते हैं, हम सभी लोग अपनी पहली जहाँ पे साइंस हमारे करिकुलम में इंट्रोड्यूस होता है वहाँ पे ये बताए जाते हैं हमको कि चरण क्या है। सबसे पहले आप समस्या की जाँच करेंगे, फिर परिकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर आप आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, उनका संग्रहण करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, फिर आप निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, और निष्कर्ष पे पहुँचने के बाद आप ये बताएंगे कि जो आपकी परिकल्पना थी वो वेरीफाई हुई कि नहीं, सत्यापित हुई कि नहीं, क्या फेल हो गई, क्या उसमें रूपांतरण आवश्यक है। तो ये आपको बताने का तरीका सिर्फ इतना है कि यही जो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं यही हम रिसर्च में भी फॉलो करते हैं, रिसर्च में भी हम यही स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो इस तरह से रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है, कहने का तरीका सिर्फ बात सिर्फ इतनी। ठीक, अब आइए पर्पसेस ऑफ रिसर्च पे, जिसके लिए कि ये बात आपसे की जा रही है कि अनुसंधान के उद्देश्य क्या है और अनुसंधान के प्रकार क्या है। तो कई किताबों में ये क्लासिफिकेशन हमको अलग अलग तरीके का मिलता है, मतलब जो मैं आपको पर्पसेस बताने जा रही हूँ, हो सकता है कि किन्हीं किताबों में ये आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च मिले कि टाइप्स ऑफ रिसर्च तीन तरीके की है, फंडामेंटल या बेसिक, मूलभूत या आधारभूत, और अनुप्रयोगात्मक और क्रियात्मक। लेकिन वास्तव में ये उद्देश्य है अनुसंधान का कि हम उद्देश्य हमारा तय हो जाए कि हम बेसिक रिसर्च करने जा रहे हैं, मतलब हम बेसिक किसी थ्योरी का विकास करने जा रहे हैं, कोई ब्रॉड जनरलाइजेशन या प्रिंसिपल निकालने जा रहे हैं, वो बेसिक रिसर्च होती है। और बेसिक रिसर्च मतलब ज्ञान के लिए की जाती है, मुख्य रूप से ज्ञान का जो भंडारण में वृद्धि हो रही है वो बेसिक रिसर्च की वजह से ही हो रही है। इसका अनुप्रयोग तुरंत नहीं होता है, लेकिन बाद की जो रिसर्चेस होती है वो इस पे बेस्ड होती है, और इस पे एक बेसिक रिसर्च पे हजारों अप्लाइड रिसर्चेस की जाती है। अब एक बेसिक रिसर्च हो गई, एक थ्योरी निकल कर आ गई, अब थ्योरी निकल कर आ गई, अब उस पर अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान किए जाएंगे कि वो थ्योरी कितना सक्सेसफुल है, दूसरी कंडीशन में कितना सक्सेसफुल है, इस तरीके की। तो चूंकि हम एजुकेशन में बात कर रहे हैं तो बेसिक रिसर्च मान लीजिए कि हो गई चोम्स्की की लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, निकाल दिया उन्होंने कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो सब में होता है और वो सार्वत्रिक ग्रामर की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो हम जब अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान करेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई क्या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का रोल है, नॉट, या हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कोई टीचिंग मेथड है वो कितना पावरफुल है, इस तरीके की बातें। तो यही हम लोग ज्यादातर अप्लाइड रिसर्चेस में करते हैं। और लास्ट में एक्शन रिसर्च, जो अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सवाल इस पर पूछे जाते हैं, इवन MCQ बहुत इस पर पूछे जाते हैं। तो एक्शन रिसर्च की खासियत क्या है, जो इसका मेन फोकस है वो इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि एक्शन रिसर्च जो बड़े बड़े रिसर्चर नहीं करते हैं, क्लासरूम टीचर करता है। क्लासरूम टीचर क्लास में गया, उसको कोई दिक्कत दिखी, उसको कोई दिक्कत हो रही है पढ़ाने में, कहीं कोई बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चे बार बार कोई गलती कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है बहुत एबसेंट हो रहा है, तो इस तरीके की छोटी छोटी पर्टिकुलर जो उसकी क्लास की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उस पर वो एक्शन करता है, और यही एक्शन रिसर्च है। तो इसमें यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है रिसर्च की कि हाँ हमने तय कर लिया, निकाल दिया तो हम उसको पूरी दुनिया में प्रसारित कर सकते हैं, नहीं, उसकी सिर्फ लोकल एप्लीकेबिलिटी है, सिर्फ उसी क्लासरूम में वो काम करेगा। ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ, उसको पढ़ नहीं रही हूँ वर्ड बाय वर्ड, और इसका जो उद्देश्य है वो विद्यालय की प्रैक्टिसेस को में सुधार करना है। तो ये तो पर्पसेस हो गए। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में देखिए मेनली तीन तरीके की रिसर्चेस हैं। एक ये तय करने के लिए कि क्या था, क्या हो गया, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च।
दूसरा ये बताती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या है, और इसमें भी और तरीका हो सकता है, और तीसरा व्हाट विल बी, क्या होगा. तो जो क्या था वो हिस्टोरिकल रिसर्च है, क्या हो गया. जैसे मुगलकालीन समय में शिक्षा की क्या दशा थी, गुरुकुल में क्या दशा थी, ये सारी रिसर्चेज अगर एजुकेशन में हो रही हैं तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च है. इसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिट करते हैं इवेंट्स ऑफ द पास्ट, पुरातन समय में हुई घटनाओं को करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कवरिंग जनरलाइजेशन. और उद्देश्य यही होता है कि आप कुछ सामान्यकरण निकाल सकें, कुछ पास्ट को समझ सकें और थोड़ा बहुत प्रेजेंट और पास्ट को समझ सकें और थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकें. हिस्टोरिकल रिसर्च का लेना देना इससे है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो बताती है व्हाट इज, डिस्क्रिप्शन देती है, उसके दो तरीके हैं, या तो वो क्वांटिटेटिव तरीके से करे या क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव जब वो न्यूमेरिक वेरिएबल, गणनाएं, आंकड़े, ये सारी बातें लेके हम निकालेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो वो क्वांटिटेटिव तरीका होगा. और जब हम नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं यूज कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिव होगा. तो चूंकि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पे डिटेल में आपसे बात आगे करनी है, इसलिए इसको यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे हम डिस्क्राइब, रिकॉर्ड, एनालाइज और इंटरप्रिट करते हैं कंडीशंस को जो कि एग्जिस्ट कर रही है. तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो आप लोग बार बार सुनते होंगे ना कि इंपीरिकल रिसर्च कर लीजिए, इंपीरिकल रिसर्च. इंपीरिकल रिसर्च का भी यही बताती है व्हाट इज, लेकिन ये डेटा बेस्ड रिसर्च होती है. ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टाइप है, क्योंकि इसमें आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के निकालते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन. लेकिन ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, मतलब आप इसको सत्यापित कर सकते हैं. और कंसेप्चुअल रिसर्च ये है कि कोई कंसेप्ट कोई पहले बता चुका है, आप उसको री इंटरप्रेट कीजिए इस वक्त की कंडीशन में, एग्जिस्टिंग कंडीशन में, वो कंसेप्चुअल रिसर्च है. और फिर एक्सपेरिमेंटल, और कौन सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत 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 पॉपुलर थी एजुकेशन में, अब धीरे धीरे उसका स्थान क्वालिटेटिव रिसर्च ले रही है. क्वालिटेटिव तो ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और अब तो मिक्सड मेथड रिसर्च की बात की जाती है. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, प्रयोग करेंगे. प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब कुछ दशाएं नियंत्रित करेंगे, यानी कि आप यहाँ कंट्रोल करेंगे, आप यहाँ मैनिपुलेट करेंगे किसको, वेरिएबल्स को. वेरिएबल्स यानी एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, तो जो स्वतंत्र चर है उसी में आप मैनिपुलेशन करेंगे और उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखेंगे. और चूंकि आप सारी दशाएं नियंत्रित करके चल रहे हैं जहां तक हो सके, तो यहाँ जो रिजल्ट निकल के आता है आप उसको सैंपल के रिजल्ट को पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं. अब ये सारी बातें सैंपल, पॉपुलेशन, जनरलाइजेशन मैं यहाँ बता नहीं रही हूँ आपको, मतलब ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप ये सब जानते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है कि हम व्हाट विल बी व्हेन सर्टेन वेरिएबल्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड, ये बताता है कि क्या होगा जब कुछ चरों को आप केयरफुली कंट्रोल या मैनिपुलेटेड कर लेंगे. तो यहाँ चरों के बीच के रिलेशनशिप पे फोकस है और मैनिपुलेशन इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. लेकिन और इसमें क्वेसी एक्सपेरिमेंटल क्या है, मतलब एक्सपेरिमेंटल से थोड़ा कम है, यानी एक्सपेरिमेंटल दो दशाओं को फुलफिल करता है, क्वेसी एक को ही करता है. एक्सपेरिमेंटल कौन सी दो दशाओं को फुलफिल करता है, एक तो ये कि आप किसको कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, किसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे, और दूसरा ये कि जो आपका सैंपल है उसमें से कौन कंट्रोल ग्रुप में और कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा, ये रैंडम सिलेक्शन से आप तय करते हैं, है ना. यानी कि पता नहीं है कौन किस में जाएगा. लेकिन जो क्वेसी एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ पे आप कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो तय करते हैं लेकिन रैंडम असाइनमेंट नहीं करते. यानी कि रैंडमनेस का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स में है, वो दशा क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फुलफिल नहीं करती है. इसलिए यहाँ पे जनरलाइजेशन उतनी सटीक तरीके से आप नहीं दे सकते हैं. तो क्वेसी एक्सपेरिमेंटल के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो हो गया आपका, कॉजल कंपेरेटिव हो गया. तो ये रिसर्चेस मेनली इतनी तरीके की रिसर्चेस की बात हम एजुकेशनल रिसर्च में करते हैं. डिस्क्रिप्शन या तो क्वांटिटेटिव तरीके से या क्वालिटेटिव या हिस्टोरिकल या कंसेप्चुअल या इंपीरिकल या एक्सपेरिमेंटल या क्वेसी एक्सपेरिमेंटल. ओके, ये टॉपिक चाहे तो आप कितना कितना भी और ब्रॉड हो सकता था, बट मैंने इसको समेटने की कोशिश की है इतने में. और अब एक और बात होगी आपसे, अप्रोचेस टू रिसर्च, तब जाके ये थोड़ा सा एजुकेशनल रिसर्च का हिस्सा जो है वो कंप्लीट होगा. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I've done from my side.